जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र बहुत ही फेमस मेडिसिन है, आपको पता है। और ये जो है, इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो ये मिनरल किंगडम से इसका ताल्लुक़ है। मिनरल किंगडम यानी एलिमेंट है ये एक। और इसका जो सेंटर ऑफ एक्शन है, सेंटर ऑफ एक्शन जो है वो है इसका वेनस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीनस मेम्ब्रेन, लिवर एंड स्किन। तो मेनली जो डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं पैथोजेनेसिस अगर हम देखें तो इन सिस्टम पर इसका ख़ास जो है वो एक्शन होता है। और मीन्स के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट बड़ी। तो अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन देखें तो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आता है डर्टी, फिल्थी, बहुत ज़्यादा गंदा और मैला कुचैला नज़र आता है, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती है। उसके बाद जो है वो ड्राई होती है स्किन बहुत ज़्यादा, और लुक्स अनवॉश्ड इवन आफ्टर बाथिंग। ये इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, यानी धोने के बावजूद भी इसकी स्किन जो होती है वो अनवॉश्ड नज़र आती है, यानी गंदी नज़र आती है। इसके अलावा इसके जितने भी एक्सटर्नल ऑरिफिसेस हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, जैसे नोज, माउथ, एनस, वजाइना, आइज, तो ये तमाम जो है ये रेड होती हैं ऑरिफिसेस, ठीक है। इसके अलावा वॉक्स लाइक एन ओल्ड मैन। ये जो पेशेंट होते हैं ये अपनी एज से एक तो ज़्यादा बड़े लगते हैं, और जो इनका बॉडी की जो एक ख़ास कंडीशन होती है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन आप कहते हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जो स्टाइल है वॉक करने का वो काफ़ी बूढ़ों वाला होता है, और ये इरेक्ट पोजीशन में नहीं रह सकते, यानी स्ट्रेट नहीं, ना स्ट्रेट बैठ सकते हैं ना स्ट्रेट चल सकते हैं। तो ख़ास इसमें ये आता है कि वॉक्स लाइक एन ओल्ड मैन, कांट सिट इरेक्ट, यानी सीधे होके बैठ भी नहीं सकते। ये स्टूपिंग पोजीशन में ज़्यादा नज़र आते हैं, यानी झुकी हुई पोजीशन में ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। चलते हैं तो झुके हुए होते हैं, बैठते हैं तो झुके हुए होते हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग इज़ अनबेरेबल, यानी खड़े होने की जो पोजीशन होती है वो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही होती है। इवन कि अगर ये टेबल चेयर पर बैठे हुए हैं और कोई बात कर रहे हैं तो बात करते करते भी टेबल पर पूरे झुक जाते हैं, क्योंकि इरेक्ट नहीं बैठ सकते। इसके अलावा जो इनका टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट जो होता है ये इनका नर्वस टेम्परामेंट होता है, और मेंटली बहुत शार्प होते हैं, और इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है स्विफ्ट एंड प्रॉम्प्ट, यानी इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी पाई जाती है, ठीक है। तेज़ी इन अ सेंस कि मेंटली बहुत शार्प होते हैं, लेकिन फिजिकली जो है वो थोड़े से लेज़ी होते हैं, ठीक है। लेज़ी इन दैट सेंस के पोजीशन वाइज ना, अपने आप को इरेक्ट पोजीशन में नहीं कर सकते, स्ट्रेट नहीं चल सकते, वरना अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर सल्फर के पेशेंट जो होते हैं ना, वो काफ़ी क्विक होते हैं और क्विक एक्शन और फास्ट एक्शन वाले होते हैं। इसके अलावा इसका थर्मल रिएक्शन अगर हम देखें, यानी जो टेम्परेचर है उसके साथ इसका क्या ताल्लुक बनता है, तो ये हॉट पेशेंट होते हैं, यानी इनको जो है वो गर्मी से तकलीफ़ इनकी बढ़ जाती है, ख़ासतौर पर जो बिस्तर की गर्मी होती है, यानी स्किन की प्रॉब्लम्स इनकी बढ़ जाती हैं। और लाइक्स कोल्ड इन जनरल, जनरली जो है वो ये कोल्ड एप्लीकेशन पसंद करते हैं। और इसके साथ ही जो सर्दी लगने का जो रुझान होता है वो भी इनमें पाया जाता है काफ़ी हद तक। येट कि ये वैसे हॉट पेशेंट होते हैं, लेकिन इनको सर्दी भी जल्दी लग जाती है। और अगर हम इसका म्याज़म देखें, म्याज़म जो है वो ये किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन है, और इसका जो डायथेसिस होता है वो स्क्रोफ्लस डायथेसिस है। नाउ स्टार्ट गाइडिंग सिम्टम्स। गाइडिंग सिम्टम्स नंबर वन, स्क्रोफ्लस प्लेथोरिक पर्सन विद वेरी रेड लिप्स। इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कंजेशन पाई जाती है, और लिप्स जो होते हैं वो इनके रेड नज़र आते हैं कंजेशन की वजह से। इसके अलावा हेस्टी इन टेम्पर एंड मोशन, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जल्दबाजी पाई जाती है, मोशन क्विक मोशन होते हैं, क्विक टेम्परमेंट होता है इनका। और नंबर थर्ड है ऑफन अनटाइडी एंड डर्टी, ये बिल्कुल अपनी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ऑर्डर में नहीं रखते, यानी रिवर्स होते हैं बिल्कुल आर्सेनिक के। आर्सेनिक जितना ऑर्डर में अपनी चीज़ें रखता है साफ़ सुथरा रहता है, सल्फर के पेशेंट उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करने वाले फिलोसफर ये लोग जो होते हैं, उनके अगर आप सराउंडिंग को देखें तो बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह हैं जो बिखरी हुई होंगी, या जो भी इनके काम जिस नौीयत का होता है, तो ये बहुत अनटाइडी सिचुएशन में अपनी चीज़ों को रखते हैं बिल्कुल भी।
इसके अलावा एक जो उनका कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया है, स्टूप्ड शोल्डर होते हैं, यानी कंधे झुके हुए होते हैं इनके, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है, यानी बहुत ज़्यादा बैठ के काम करने वाले या इस तरह की जो मेंटली वर्क ज़्यादा जो करते हैं उसमें शुमार होता है इन लोगों का। इसके बाद चिल्ड्रन को अगर हम देखें, चिल्ड्रन आर एमेसिएटेड विद बिग बैली, इनटॉलरेंट ऑफ बाथिंग एंड कवरिंग एंड ऑफन डर्टी बेबीज। बच्चों में जो है वो पूरा जिस्म जो है वो एमेसिएटेड मिलता है, सूखा हुआ होता है, जबकि जो इनका एब्डोमिनल रीजन होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा बच्चे जो है वो नहाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, कवर करना पसंद नहीं करते हैं, और इसके अलावा इनके जो मेंटली जो होते हैं, मेंटली तौर पे ये बहुत सेल्फिश होते हैं और सेल्फ इम्पॉर्टेंट होते हैं, अपने आप को बहुत अहमियत देते हैं और अपने फ़ायदे का ज़्यादा सोचते हैं। एरोगेंट भी होते हैं इनमें जो है वो, रिलीजियस मीनिया भी पाया जाता है। इसके अलावा बर्निंग्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसकी बर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो है हर जगह जो है इसको बर्निंग जो है वो महसूस होती है, जलन महसूस होती है, ख़ासतौर पर जो वर्टेक्स का रीजन है और पाम एंड सोल्स हैं, यानी हाथ पैर हैं और जो सर का जो सेंटर वाला पार्ट होता है जिसको वर्टेक्स कहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। और रात के वक्त सोते हुए जो है पेशेंट अपने हाथ पांव जो है वो ब्लैंकेट से बाहर रखना चाहता है जलन की वजह से। इसके अलावा इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बर्निंग एक्सकोरिएटिंग होते हैं, यानी छीलने वाले होते हैं, जलन वाले होते हैं, और इनमें से जो है वो बहुत शदीद किस्म की स्मेल आ रही होती है। इसके अलावा इसमें जो है लोकल कंजेशन बहुत इसका की पॉइंट है, लोकल कंजेशन पाई जाती हैं स्पेशली एट क्लाइमेक्टेरिक, यानी मीनोपॉजल एज में जो है वो काफ़ी इसमें कंजेशन पाई जाती है, हॉट फ्लशेस होते हैं, फेस की तरफ रेडनेस, बर्निंग और फेंटनेस पाई जाती है, स्वेटिंग बहुत होती है जैसे कि सीपी और लैकेसिस में होती है। इस तरह से इसमें जो इसके साथ एक एसोसिएटेड सिम्टम होता है जिसको हम ऑल गॉन सेंसेशन कहते हैं या सिंकिंग सेंसेशन कहते हैं। तो ये जो सिंकिंग सेंसेशन है इसमें ये आफ्टरनून में होती है अराउंड 11 AM। सल्फर के पेशेंट्स जो होते हैं इनको जो है वो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, थर्स्ट भी बहुत ज़्यादा होती है इनमें, और इतना खाने पीने के बावजूद भी जो है इनकी बॉडी मैसिएटेड होती है, थिन होती है, और खाने के मुकाबले में ये लिक्विड डाइट ज़्यादा पसंद करते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंसी पाई जाती है, गैस बहुत ज़्यादा होती है इनके एब्डोमिनल रीजन में बनती है, और इसके अलावा जो एवर्जन होती है इसमें वो मिल्क, सल्फर पेशेंट में अवर्जन पाई जाती है मिल्क से, क्योंकि मिल्क से इसकी कंप्लेंट्स जो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ये स्वीट थिंग्स खाना पसंद करता है, ही लाइक्स स्वीट थिंग्स। कॉन्स्टिपेशन विद पाइल्स, इसमें पाइल्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं इस कंप्लेंट्स में, क्योंकि इसमें पाइल्स की वजह से इसका स्टूल जो है वो बहुत पेनफुल होता है, और इस पेन की वजह से जो है वो उसको खौफ आता है बाथरूम जाने से, बच्चा जो है वो रोता है अगर उसको बाथरूम जाना पड़े स्टूल पास करने के लिए। और इसके अलावा जो है इसमें एक्यूट अटैक्स ऑफ डायरिया भी पाए जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन एज वेल एज डायरिया इज आल्सो प्रेजेंट देयर। स्किन जो होती है पेशेंट की वो बहुत अनहेल्दी होती है, डिजीज लुक होता है स्किन का, और इसकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है वो वार्म्थ से बढ़ती हैं, वार्म्थ ऑफ बेड स्पेशली एट नाइट एंड वॉशिंग पानी लगने से बढ़ जाती हैं। इसमें जो है तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं वो ड्यू टू सप्रेस्ड स्किन इरप्शंस जो है वो उसके सप्रेस होने की वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो क्रॉनिक फॉर्म में चली जाती हैं। इसके अलावा इसकी जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैट नैप स्लीप कहलाती है, यानी शॉर्ट स्लीप होती है, स्लाइटेस्ट नॉइस से इसकी आँख खुल जाती है और फिर उसको जो है दोबारा सोना बहुत मुश्किल होता है, और सोने के बावजूद जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अनफ्रेश फील करता है। इसके अलावा कंप्लेंट्स जो होती हैं वो कॉन्स्टेंटली रिलैप्स करती हैं, इसकी कंप्लेंट्स जो हैं वो बार बार पलट कर आने वाली बीमारियां जो ठीक हो जाती हैं और फिर कुछ अर्से के बाद दोबारा से अपेयर हो जाती हूँ, यानी इसमें हिंड्रेंस पाई जाती है बीमारियों में ड्यू टू सोरा, यू नो ऑल वेल। तो इसकी वजह से जो है वो इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो रिपीट होती हैं, और अमूमन जो है वो ये ऐसे केसेस की पिक्चर को क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है सल्फर, जहाँ पर जो है वो बीमारी जो है वो किसी मेडिसिन को जो है अच्छी तरह से रिएक्ट ना कर रही हो और उसमें नहीं रह पाती है तो उसमें हिंड्रेंस पाई जाती है, तो सल्फर जो है वैसे किसी के को सॉल्व करने में मददगार होती है। इसके बाद हम इसकी मॉडलिटीज़ देते हैं, मॉडलिटीज़ जो होती हैं उसमें एग्रीवेशन इसको बहुत ज़्यादा होता है हीट से, सेंसिटिव टू कोल्ड, वार्म्थ ऑफ बेड,
स्लाइट चेंज इन टेम्परामेंट, स्पेशली स्किन कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं टेम्परेचर के चेंज होने से। इसके अलावा मिड डे, मिड नाइट, स्टैंडिंग पोजीशन और बाथिंग जो है वो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। पेशेंट नहाना पसंद नहीं करता, नहाने से इसकी तमाम तकलीफ बढ़ जाती हैं और नहाने के बाद भी पेशेंट जो है वो गंदा नज़र आता है। इसके अलावा इसका अगर एक साइकिल होता है सल्फर का, सल्फर के बाद जो है वो लाइको और लाइको के बाद सल्फर जो है बहुत अच्छा काम नहीं करती है, इसलिए सल्फर के बाद हमेशा पहले कैल्क्रिय कार्ब को इस्तेमाल करना चाहिए और कैल्क्रिय कार्ब के बाद फिर लाइको का अगर इस्तेमाल किया जाए तो दे। इसका रिलेशनशिप देखें तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एकोनाइड, एलोज, आर्सेनिक, नक्स फॉमिका, सुवर्णायम इसकी जो कॉम्प्लीमेंट करती है, एंटीडोट है इसकी पल्स, नक्स फॉमिका। और इसके अलावा सल्फर जो है वो सल्फर को जो है वो एकोनाइड की क्रॉनिक मेडिसिन भी कहा जाता है और ये इपिकॉक के बाद जो है वो उसके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए भी अच्छा काम करती है। सो दैट्स ऑल फॉर सल्फर टुडे। एंड सल्फर काफ़ी वास्ट मेडिसिन है, बहुत सारे पॉइंट्स और भी इंक्लूड हो सकते हैं जो हमारे दीगर डॉक्टर्स जो डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा समराइज करके बताने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।